नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं ये देश है हमारा। और इस हफ्ते ये देश है हमारा में मैं बात करूंगा कोरोना की वैक्सीन की। कोरोना की वैक्सीन देश भर में 16 जनवरी से लग रही है, लेकिन सियासत बदस्तूर जारी है। इस हफ्ते बंगाल में जब कोरोना की वैक्सीन पहुंची तो एक मंत्री डंडा लेकर सियासत कर रहे थे, वहां पर जोरदार हंगामा हुआ। हंगामा किसानों को लेकर था, लेकिन वैक्सीन के ट्रक को रोक दिया गया। इससे पहले वैक्सीन को लेकर तरह तरह की अफवाहें, तरह तरह के गलत बयान हमारे सामने आए। कोई कहता है नपुंसक हो जाएंगे, कोई कहता है ये बीजेपी का टीका है, कोई कहता है नरेंद्र मोदी का टीका है, और बड़े बड़े नेता ऐसी बात कह रहे हैं। राशिद अल्वी, अखिलेश यादव, मनीष तिवारी, जयराम रमेश, बड़े बड़े नेता। आखिरकार वैक्सीन पर सियासत बंद होनी चाहिए, क्योंकि यह देश के लिए, मेरे लिए, आपके लिए, हमारे देश के भविष्य के लिए सबसे आवश्यक चीज है। इस पर बंद होनी चाहिए सियासत। तो इस हफ्ते का यह देश है हमारा इसी पर। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः। हमें जन जन के जीवन को बचाने में योगदान देने का मौका मिला है। पीएम मोदी के करीब 35 मिनट के भावुक भाषण के साथ देश में 3 करोड़ लोगों को टीका लगाने की शुरुआत हो गई। आंखें नम और भरे हुए गले से पीएम मोदी ने कहा कि हमें बचाने के लिए कई लोगों ने प्राण संकट में डाले और कई लोग घर लौट कर ही नहीं आए। हमारे डॉक्टर, नर्स, पैरामेडिकल स्टाफ, एम्बुलेंस ड्राइवर, आशा वर्कर, सफाई कर्मचारी, पुलिस के साथी और दूसरे फ्रंटलाइन वर्कर्स, उन्होंने मानवता के प्रति अपने दायित्व को प्राथमिकता दी। इनमें से अधिकांश तब अपने बच्चों, अपने परिवार से दूर रहे, कई कई दिन तक घर नहीं गए। सैकड़ों साथी ऐसे भी हैं जो कभी घर वापस लौट ही नहीं आ पाए। एक तरफ पीएम मोदी स्वास्थ्य सेवा से जुड़े लोगों को वैक्सीन लगाकर ऋण चुकाने की बात कर रहे थे, तो दूसरी ओर टीकाकरण से पहले ही इसका विरोध जोर पकड़ रहा है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के कई नेता कोरोना के टीके पर सवाल उठा चुके हैं। हम बीजेपी का वैक्सीन नहीं लगवा सकते। देखिए, मैं तो नहीं लगवाऊंगा अभी वैक्सीन। कहीं ना कहीं उस वैक्सीन में कुछ ऐसी चीजें हो कि नुकसान हो जाए, और हमें लगता है कि बाद में लोग कह दें कि नहीं, जनसंख्या कम करने के लिए, मारने के लिए लगा दिया वैक्सीन, तो आप नपुंसक बना, कुछ भी हो सकता है। हालांकि ये बात और है कि भारत में बने टीके का दुनिया में डंका है। ब्राजील ने भारत में बनी वैक्सीन की 20 लाख डोज मांगी है। बिल गेट्स भी टीके की तारीफ कर चुके हैं और नेपाल ने भी 1 करोड़ से ज्यादा टीकों की डिमांड की। जो लोग अपने देश के साइंटिस्ट पर भरोसा नहीं करते, अपने देश के वैज्ञानिकों पर भरोसा नहीं करते, अपने देश की सरकार पर भरोसा नहीं करते, अपने देश के प्रधानमंत्री पर भरोसा नहीं करते, इसका मतलब उन्हें देश पर भरोसा नहीं है। अगर उन देश पर भरोसा नहीं है तो जहाँ के वो हैं वहाँ चले जाए, जहाँ उन्हें जाना चाहिए वहाँ चला जाए, फिर पाकिस्तान पर अगर वो भरोसा करते हैं तो पाकिस्तान चले जाए। अब जरा बीते दिनों की ये 2 तस्वीरें देखिए। पहली तस्वीर हैदराबाद की है, जहाँ से भारत बायोटेक के कर्मचारी ताली बजाकर वैक्सीन के ट्रक को विदा कर रहे हैं, और दूसरी तस्वीर ममता बनर्जी के मंत्री की है, जिनके विरोध प्रदर्शन के चलते कोरोना का टीका ले जा रही गाड़ी देर तक फंसी रही। खास बात ये कि पहले चरण में
3 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगाई गई, जो दुनिया के 100 देशों की आबादी से भी ज्यादा है। ऐसे में इस भरोसेमंद वैक्सीन पर सवाल उठाना, उस पर सियासत कर देश और दुनिया को क्या संदेश देने की कोशिश हो रही है, आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। शुभ टीका, अशुभ सियासत। और अब टीके पर अशुभ सियासत का विश्लेषण सुनिए। दुनिया के कई देश भारत की वैक्सीन चाहते हैं, ये हमारे लिए गर्व की बात है, मान सम्मान की बात है। विपक्ष अपनी वैक्सीन पर सवाल उठा रहा है, अपने देश की वैक्सीन पर सवाल उठा रहा है। इस वक्त देश को का एकजुट रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये वैक्सीन हर घर तक पहुँचे, हर व्यक्ति तक पहुँचे, ये सबसे ज़्यादा आवश्यक है। जिस राज्य में सरकार है उसको उतनी वहां मदद करनी चाहिए। सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक मुकम्मल प्लान तैयार किया है, जिसकी अनाउंसमेंट खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने करी, वो खुद हर चीज को ऑब्जर्व कर रहे हैं। वैक्सीन पर भ्रम फैला तो नुकसान देश का ही होगा और किसी का नहीं। सियासत के ढेरों मुद्दे मिलेंगे, वैक्सीन को बख्श देना चाहिए। वैक्सीन पर भ्रम फैलाकर सियासी फायदा होगा क्या? अगर वैक्सीन को नरेंद्र मोदी की वैक्सीन कहा जाएगा, अगर वैक्सीन को कहा जाएगा कि ये जो वैक्सीन है ये इसको रोका जाएगा, इसके खिलाफ प्रदर्शन किए जाएंगे, तो इससे क्या वोट ज़्यादा मिल जाएंगे? मुझे लगता है कि जनता बड़ी समझदार है, ऐसा नहीं होता है। मेरे साथ बात करने के लिए आज की इस चर्चा में जाने माने सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील और भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रवक्ता गौरव भाटिया जी हैं। मेरे साथ इस चर्चा में संगीत रागी हैं, जो कि राजनीतिक विश्लेषक भी हैं और संघ के जानकार भी हैं। मेरे साथ सलमान निजामी साहब हैं, जो कांग्रेस के नेता भी हैं और साथ ही साथ राजनीतिक विश्लेषक भी हैं। मेरे साथ सुमैया राणा भी हैं, नेता समाजवादी पार्टी की, राजनीतिक विश्लेषक हैं। तौसीफ खान, जो कि टीएमसी की पार्टी के हैं, और डॉक्टर हैं मेरे साथ इस चर्चा में डॉक्टर कौशल कांत मिश्रा, आपका भी अभिनंदन है। कौशल कांत मिश्रा जी, मैं शुरुआत आपसे करता हूं। ये टीका शुभ है लेकिन सियासत बड़ी अशुभ है। आप मुझे बताइए, वैज्ञानिकों ने, डॉक्टरों ने अथक प्रयासों के साथ इसको तैयार किया है, लेकिन बंगाल में जिस टीके की गाड़ी के सामने ऐसा प्रदर्शन किया गया जो तस्वीरें बयां करती है, क्यों? अमीर जी, देखिए, ये जो कुछ भी कोई भी सरकार, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी या कोई भी पॉलिटिकल नुमाइंदा या कोई भी रिलीजन कुछ भी ऐसा कर रहा है जिससे वैक्सीनेशन के रास्ते में कोई रोड़ा अटक रहा है, तो वो सिर्फ अपने पर्सनल फ़ायदे के लिए कर रहा है। वो देश की जनता और बहुत सारे जो हेल्थ केयर वर्कर जिन्होंने अपनी जान गंवाई है, बहुत सारे ओल्ड एज के पेशेंट जिनकी जान जा चुकी है, उनकी फैमिली से जाके पूछिए, ये उनकी जो प्रॉब्लम है उसमें एक बहुत बड़ा रोड़ा बन के सामने आ रहे हैं। ये जो भी कर रहे हैं ये बिल्कुल गलत कर रहे हैं, ये किसी तरह से एक्सेप्टेबल नहीं है। अगर कोई भी आदमी जो वोट देने जाएगा, जो इस रास्ते में, जो कोविड के प्रिवेंशन के रास्ते में आ रहा है, ये समझ लीजिए उसकी अगली बार सरकार नहीं आनी है, ये मान के चले। क्यों ये बात मैं इसलिए बोल रहा हूँ, क्योंकि ये जो लोग ऐसा कर रहे हैं ये केवल एक ही भाषा समझते हैं, जो वोट की भाषा है। तो ये पक्का समझ लीजिए कि किसी के घर में अगर कोरोना से डेथ हो रही है तो उस पूरे मोहल्ले का वोट आपके पास नहीं आने वाला। तो पॉलिटिक्स से ऊपर उठिए, बिल्कुल सच बात है। तभी मैंने इसकी शुरुआत आपसे करी डॉक्टर साहब, तभी मैंने आपको शुरुआत का एक मिनट दिया, मुझे लगा नेताओं से पहले आपके पास आना चाहिए। और अब मैं टीएमसी के सिंपथाइजर के पास चलता हूं, तौसीफ खान के पास। तौसीफ खान, वैक्सीन के आगे अड़ंगा लगाकर क्या हासिल कर लेंगे आप? देखिए, जब मीटिंग हुआ है, प्रधानमंत्री ने मीटिंग किया है चीफ मिनिस्टर के साथ में, तो ममता बनर्जी ने कुछ सवाल उठाए थे कि इसका कोई साइड इफ़ेक्ट है या नहीं, और ये फर्स्ट फेज़ के बाद में फिर क्या स्टेट को परचेज़ करना पड़ेगा या नहीं। और साथ ही साथ ममता बनर्जी ने ये बताया है, बंगाल के चीफ मिनिस्टर ने, कि 44,000 रेडी किया गया है। ये सदीकुल्ला इसीलिए, जहाँ से वैक्सीन का ट्रक जा रहा था, जहाँ से वैक्सीन सप्लाई हो रही थी, उस ट्रक के सामने अपना भौदा प्रदर्शन कर रहे थे, क्योंकि इस वैक्सीन का साइड इफेक्ट ना हो, इसलिए इससे साइड इफेक्ट नहीं होगा। और आपने अभी तक कोई वैक्सीन अभी तक जीवन में लगवाई है कि नहीं लगवाई, मैं आपसे जानना चाहता हूँ सर, कोई वैक्सीन लगवाई है आपने अभी तक?
तो मुख्यमंत्री ने बताया मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ कि आपने कोई वैक्सीन लगवाई है अभी तक? हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन लगवाई है क्या आपने? हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन लगवाने के बाद दो दिन तक बुखार रहता है? मुख्यमंत्री ने दो दिन तक बुखार रहता है, बच्चों को पोलियो ड्रॉप देते हैं उसकी भी साइड इफेक्ट आता है, लगता है पोलियो ड्रॉप देना बच्चों को बंद कर देंगे क्या? अमित जी अपने घर के बच्चों को माफ करिए, ये बात बोल रहा हूँ, अपने घर के बच्चों को आपने हेपेटाइटिस बी भी लगवाया होगा और पोलियो ड्रॉप भी दिए होंगे, लेकिन यहाँ ज्ञान बांट रहे हैं उसका साइड इफेक्ट ना हो जाए, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए। अरे सर, इफ और बट इतने लगा ना लगा दे कि लोग वैक्सीन लेने से डर जाए। बोलिए सर। देखिए ये पूरा देश जानता है, अमित जी पूरा देश जानता है कि लगता है जैसे आपको बुखार चढ़ा हुआ है, आपको कोई साइड इफेक्ट हो गया है, आप तो मुझे बोलने ही नहीं दे रहे। रुकिए, थोड़ा धीरज रखिए, थोड़ा सुनिए, थोड़ा अपने दर्शकों को सुनने दीजिए। बंगाल की चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी ने बताया है कि 44,000 वैक्सीनेटर तैयार हैं, 4,000 से ज़्यादा वैक्सीन साइट पूरे वेस्ट बंगाल में तैयार हैं और लगभग 5,00,000 सदीकुल्ला कौन सा, ये सदीकुल्ला साहब कौन सी वैक्सीन लेके घूम रहे थे? वैक्सीन के ट्रक के आगे रेडी कर लिया है वैक्सीन के ये लिए? ना, ये सदीकुल्ला कौन सी वैक्सीन लेके घूम रहे थे मैं आपसे पूछ रहा हूँ। ये देख रहे हैं आप सामने जो विजुअल मैं दिखा रहा हूँ, उनसे पूछ लीजिए। नहीं, मेरे सामने मंत्री आपके नहीं है, मैं देख नहीं पा रहा हूँ कि आप क्या दिखा रहे, आप उनसे पूछ लीजिए। अरे आप तो इतने बड़े चैनल है, उनका मोबाइल नंबर आपके पास होना चाहिए, उनको टीवी में बुलाना चाहिए, बुला करके पूछ लीजिए आप क्या कर रहे हैं। अभी आप उनकी सरकार को डिफेंड कर रहे हैं, आप कह रहे हैं देखिए वो सरकार तो बेहतर काम कर रही है, मैं दिखा रहा हूँ कि सरकार सड़क पे क्या काम कर रही है, जो कदम सरकार सड़क पे क्या काम कर रही है, वैक्सीन के ट्रक के आगे डंडा और तलवारें लेके चल रहे हैं ये लोग, क्यों? इसका जवाब क्या होगा सर? जब मीटिंग हुआ एक दिन पहले, अरे जब सर मीटिंग में क्या बोला, सड़क पे क्या हो रहा है आपके सामने, और वैक्सीन के ट्रक के आगे ये क्यों हुआ? उसमें उन्होंने बताया है कि बंगाल सरकार, खान साहब ममता बनर्जी ने बताया कि बंगाल सरकार पूरी तरीके से केंद्र के गाइडलाइन को मान करके उस वैक्सीन को फैसिलिटेट करने के लिए चलो 941 वहां जाम लगा दो, ट्रक को रोक दो, ये कौन से chain. मैं आपसे जानना चाह रहा हूं ये ट्रक के रास्ते में ये सब क्यों था वर्धमान में, ये बता दीजिए, सिंपल सवाल है। ये गवर्नेंस का फेलियर है। इतना बड़ा देश है हमारा, 130 करोड़ की आबादी है, अच्छा 130 करोड़ की आबादी है, इतना बड़ा राज्य है हमारा, ये छुटपुट घटना कहीं हो जाती है? मैं तो आपको राज्य सरकार द्वारा उठाए गए कदम डिटेल दे रहा हूँ, आप इंटरेस्टेड नहीं लगते, आपको तो वही छुटपुट घटना में इंटरेस्टेड है क्योंकि आपको उसमें से शायद टीआरपी 14 राज्यों में वैक्सीन गई, कहीं ये छुटपुट घटना नहीं हुई लेकिन बंगाल में ही हुई। अब मैं गौरव भाटिया का रुख करता हूं। अब सर मैंने आपको पूरा ईमानदारी से 4 से 5 मिनट आप ही के साथ में था, गवर्नमेंट को इस बात को मालूम है ना या नहीं? मैं आप ही के साथ था पूरी ईमानदारी के साथ। गौरव भाटिया आपने बयान सुन लिया कि बड़ा राज्य है, छोटी मोटी घटना हो जाती है, छुटपुट घटना है, इस पे ज्यादा तवज्जो तक नहीं देनी चाहिए। अमित जी देखिए, एक वाक्य में मैं बताता हूं कि भारत में आज क्या हालात है। वैक्सीन आ रही है, देश की हो रही है वाहवाही, भारतीय दे रहे हैं बधाई, विपक्ष की हो रही है तबाही। और मैं तो हैरान हूं, अचंभित हूं, ये टीएमसी के समर्थक क्या बोल गए? इन्होंने कहा वैक्सीन का ट्रक रोक दिया गया, ये तो छुटपुट घटना है, छुटपुट। अरे भैया, ममता बनर्जी की ऐसी सोच कहां से आती है? इनको वैक्सीन जो है वो कोविड का नहीं, मूर्खता का कोई वैक्सीन आए तो वो लगवाना चाहिए। जिस घर में किसी इंसान की जान पे बनाए और वैक्सीन उसे बचा सकता है, और ये उसको छुटपुट घटना कहते हैं। क्यों? क्योंकि इंसानों की जान की कीमत पश्चिम बंगाल में अब रही नहीं है। दूसरी बात, कानून व्यवस्था कौन बनाता है? कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है पश्चिम बंगाल में। ये वैक्सीन का ट्रक जब चला तो वो सुनिश्चित स्थान पे पहुंचे, ये तो आपकी प्रदेश सरकार करेगी, लेकिन कोई बात नहीं है, वहां पश्चिम बंगाल में जनता त्रस्त है, ममता मस्त है, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। तीसरी बात, ये ममता बनर्जी देखिए चुनावी रैली जैसे कर रही हो, कह रही है मैं वैक्सीन मुफ्त में दूंगी, जब केंद्र की सरकार
जो फर्स्ट फेज के वैक्सीन मुफ्त में दे रही है, 10 लाख वैक्सीन जो है वो भेजे जा रहे हैं पश्चिम बंगाल में, तो आप कौन सा मुफ्त मुफ्त खेल रहे हो? ये केवल जनता को लूट सकते हैं, ये मुफ्त में कुछ नहीं दे सकते हैं। और अंत में गौरव भाटिया, गौरव भाटिया आरोप आप पे लगा कि गौरव भाटिया सवाल मेरा भी सुनिए आप, गौरव भाटिया आरोप पहले आप पे लगा कि आपने सियासत शुरू करी जब आपने बिहार चुनाव में फ्री वैक्सीन देने की बात करी, तो पॉलिटिक्स तो आपने शुरू करी, वैक्सीन पॉलिटिक्स? बिल्कुल 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 भी नहीं अमीर जी, मैं बताता क्यों आपके क्यों आपके आपने अपना बिहार का मैनिफेस्टो नहीं पढ़ा, या मैं भिजवा दूं गौरव भाई आपको? वकील का काम तो पढ़ना लिखना होता है, ये राहुल गांधी तो मत समझिए, इससे बड़ी तो कोई गाली देश की राजनीति में कोई नहीं है अमित जी, मैं उत्तर दे रहा हूं सुनिए। देखिए बिहार के जब प्रदेश के चुनाव हैं और हमारी पार्टी वहां चुनाव लड़ रही है तो प्रदेश का मैनिफेस्टो ला रही है, तो हमने ये बात कही, लेकिन केंद्र की सरकार अपना कार्य कर रही है। जब हमने ये बात कही थी उसी वक्त ममता बनर्जी पुडुचेरी की तरह कह देती कि हम भी देंगे, तब नहीं कहा। अब जब केंद्र सरकार भेज रही है मुफ्त वैक्सीन फर्स्ट फेज के, तब केवल और केवल श्रेय लेने के लिए ये बात कह रहे हैं। ठीक है ठीक है ठीक है, तो इसीलिए कह रहा था जी जी, मैं अपनी बात पूरी कर लूं जी। गौरव जी प्लीज 20 सेकंड आप अपनी बात करिए, फिर सुमैया जी और बिल्कुल सलमान निजामी बोलिए आप अपनी बात। देखिए मैं पहले राहुल गांधी जी की बात कर लूं। राहुल गांधी ने कहा ये भैया टीका कब आएगा ये भैया, तो आज भारत कह रहा है भैया टीका आ गया, अब ये बताओ तुम इटली से कब आओगे या तुम में बुद्धि कब आएगी? ये लोग केवल और केवल अवरोधक हैं, इन लोगों को विरोध की राजनीति करने आती है और जनता इनको ऐसा सबक सिखाएगी, आप देखेंगे चुनाव आने वाले सुपड़ा साफ हो जाएगा ये ममता जी का जो गलत शब्दों का प्रयोग करती है, आप देखिएगा। ये वैक्सीन बहुत बड़ी उपलब्धि है, साइंटिस्टों को सल्यूट करते हैं हम, डॉक्टर को सल्यूट करते हैं। ठीक है ओके, मैं रुक करता हूँ सुमैया राणा का। सुमैया राणा, आपके नेताओं का भी लगातार बयान आया, अखिलेश जी ने ही खुद बोला कि वो वैक्सीन नहीं लगवाएंगे क्योंकि ये बीजेपी की वैक्सीन है, उनको भरोसा नहीं है इस वैक्सीन के ऊपर। आपके एक MLC ने बोला कि अगर ये वैक्सीन लगा ली जाएगी तो नपुंसक हो जाएगा व्यक्ति। क्या आपको लगता है कि इस तरह की बातें करने से आम जनता का नुकसान होगा? पीपल ऑफ इंडिया विल सफर, नो वन एल्स। देखिए अमीश जी, जो इतिहास रहा है, जो कार्य प्रणाली रही है बीजेपी की, वो इतनी संदिग्ध है, उस पर शुबा होना लाजमी है। अगर आप मिसाल मुझसे पूछेंगे एग्जाम्पल, तो मैं बताऊं कि हरियाणा के मंत्री अनिल विज जी के साथ क्या हुआ। उन्होंने कोरोना की वैक्सीन ट्राई करी और उसके बाद भी वो पॉजिटिव हो गए। तो ऐसा नहीं है, अगर ये राष्ट्रीय अध्यक्ष जी श्री अखिलेश यादव जी ने ये बात कही है तो ये वैक्सीन पर उन्होंने शक नहीं जाहिर किया है, इस गवर्नमेंट की, ये भारतीय जनता पार्टी की जो सोच है, जो काम करने का तरीका है, उस पर शक जाहिर किया है। तो पहली चीज तो मैं ये साफ कर दूं। सुमैया जी, बैठ करके भाजपा के जो प्रतिनिधि, मेरी बात पूरी होने दीजिए, बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। पहले ये सरहद के ऊपर जा करके वहां पर अपने झंडे गाड़ते हैं, सैनिकों को पीछे कर देते हैं, वहां पर भी क्रेडिट लेने की कोशिश आज वैज्ञानिकों ने बना करके सरहद पे क्यों नहीं जाएंगे, अखिलेश यादव जा पाए, हिंदू मुस्लिम कर रहे थे जवानों पे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का ये काम है, ये भारतीय जनता पार्टी का काम है, ये दूसरे के काम का फीता काटने के आदि हो गए, बीजेपी का टीका है, ये तो बताइए। बातें करते हुए गौरव भाटिया सुमैया जी आपके बीच में नहीं बोली, आप उनके बीच में ना बोले, एक अच्छी बहस होगी। आप अपना लेवल क्यों लगा रहे हैं उसके ऊपर, ये मेहनत सुमैया जी एक गौरव भाटिया होल्ड ऑन। सुमैया जी आप बड़ी महत्वपूर्ण बात कर रही है, आप कह रही है कि देखिए हमें बीजेपी पे भरोसा नहीं है। ठीक है आपको बीजेपी पे भरोसा नहीं होगा, लेकिन ये बीजेपी के 11 दीनदयाल उपाध्याय मार्ग में तो ये वैक्सीन बनी नहीं है, ये वैक्सीन बनी है सीरम इंस्टीट्यूट में, ये वैक्सीन बनी है भारत बायोटेक के R&D सेंटर में, रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर में। तो इसका, हालांकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ऐसा माहौल बनाया कि ये वैक्सीन बन जाए, लेकिन ये वैक्सीन भारतीय जनता पार्टी ने नहीं बनाई है, भारतीय जनता पार्टी के लोग साइंटिस्ट नहीं है, साइंटिस्ट भारत के हैं। भारतीय जनता पार्टी को आप देखिए प्लीज, ये वो पार्टी है जो गौमूत्र से इलाज करने को कहती थी, जो ये कहती थी कि ताली थाली पीटिएगा, नारे लगाइएगा, नफरत आपकी बीजेपी से हो सकती है, नरेंद्र मोदी से हो सकती है, करना चाहिए
सैल्यूट करना चाहिए, तो वैज्ञानिकों को सैल्यूट करना चाहिए। फिर तो लखनऊ में जो पीआईजी, लखनऊ का जो सबसे बड़ा अस्पताल है वो योगी आदित्यनाथ का हो गया, दिल्ली का एम्स नरेंद्र मोदी का हो गया, फिर क्या ऐसे तो इलाज भी नहीं करवा पाएंगे, फिर कैसे करेंगे फिर ऐसे, बताइए सुमैया जी। मैं यही तो कह रही हूँ, ये टैग लगाते हैं, ये लेबलिंग कर रहे हैं इन सारी चीजों के ऊपर, ये लेबलिंग कर रहे हैं, ये क्यों इसका क्रेडिट लेने पर लगे हुए हैं। ठीक है प्रोफेसर रागी, ये क्रेडिट लेने ले रहे हैं इसीलिए वैक्सीन नहीं लगवा रहे हैं, इसलिए बंगाल में तमाशा हो रहा है। जब वैक्सीन नहीं आ रहा था तो दोस्त किसको दिया जा रहा था, राजनीतिक नेतृत्व को दिया जा रहा था। अरे भाई जब वैक्सीन आ गया है तो निश्चित तौर पर यह उपलब्धि जो है हमारे देश के वैज्ञानिकों के लिए की है और उसका श्रेय उन्हीं को जाना चाहिए, लेकिन जो राजनीतिक व्यवस्था है उसने जो काम किया है, उसकी जो अपनी अपना जो परिश्रम है, उसकी जो अपनी तपस्या है इसके पीछे, उसको भी तो श्रेय मिलना चाहिए। यदि आप देखिए कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी और जितने भी गैर भारतीय जनता पार्टी विपक्ष हैं, उनको ऐसा लग रहा था कि वैक्सीन नहीं आएगी तो अराजकता और फैलेगी, उद्योग धंधे चौपट होंगे, कृषि चौपट होगी, और इस अराजकता में उनकी जो उनकी उनकी जो राजनीतिक फसल है वो बहुत उर्वरा होगी, बहुत उर्वरा होगी। लेकिन अब चूंकि वैक्सीन आ गई है और हमने जीएसटी का देखा है, देखिए मैंने हस्तक्षेप नहीं किया था मैडम, थोड़ा सा सुन लीजिए। अब रही जा अखिलेश यादव जी की बात, तो वो मुझे उनसे उम्मीद नहीं थी कि एक पढ़ा लिखा व्यक्ति इतना मूर्खतापूर्ण बयान भी दे सकता है। क्या उनको कोई इस्लामिक वैक्सीन चाहिए, क्या उनको कोई और इस प्रकार का वैक्सीन चाहिए? उन्होंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि उनको पता है कि जो आने वाली राजनीति है उत्तर प्रदेश की राजनीति में है, उसमें मुसलमानों से बाहर नहीं निकल पा रहे, उसमें मुसलमानों का वोट चाहिए और मुसलमानों का वोट चाहिए। ये आपको याद होगा कि पल्स पोलियो अभियान जब चला था तब भी मुसलमानों के एक वर्ग में यही फैलाया गया था, यही फैलाया गया था कि यदि ये जानबूझकर के मुसलमानों की जनसंख्या को कम करने के लिए, तब जाकर के बड़े बड़े फिल्म इंडस्ट्री के बड़े बड़े लोगों को लाया गया था। और मैं जानता हूं बहुत फील्ड स्टडी हमने किया था, उत्तर प्रदेश के अंदर ही किया था, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किया था। आप ही लोग हैं जो कैसे ये कह रहे थे कि गौमूत्र पीने से कोरोना चला जाएगा, मौलवी थे, मौलाना थे, कि ताली थाली पीने से कोरोना चला जाएगा। अरे आपको जानकारी नहीं है मैडम देखिए, अज्ञानता का तो कोई उत्तर नहीं दिया जा सकता। आप मुझे मत बताइए, सपा के प्रवक्ता लोग पढ़ लिख करके तो आते नहीं है, उनको पढ़ने लिखने से उनको कोई मतलब होता नहीं है, वो सिर्फ हल्ला मचाने के लिए टेलीविजन पर आते हैं, उनको पढ़ने लिखने से कोई मतलब नहीं है। ताली थाली पीटने से इलाज हो रहा था, मैंने आपको कहा ना कि आप पढ़े गांधी जी को पढ़िएगा, आपने अरे गांधी जी को पढ़िएगा कैसे इलाज हो रहा था कोरोना का। यंग इंडिया में, यंग इंडिया में और हरिजन में गांधी जी ने गाय पर जितना लिखा है उतना और किसी ने नहीं लिखा है, लेकिन आप पढ़े लिखे तो होते नहीं है, कहीं से उठा करके लोग ला दिया जाता है, समाजवादी पार्टी का ठेका है, ठेपा लग गया और चले आए चैनल पे बोलने के लिए, आवाज में तो कोई तर्क न होता है, न कोई आपके पास कोई फैक्ट होता है, पर्सनल नहीं होना चाहिए किसी के साथ, इसलिए मैं आपसे बहस नहीं करना चाहता। आप दूसरों को कम से कम बोलने दीजिए, बदतमीजी मत कीजिए, असभ्यता मत कीजिए। नहीं नहीं नहीं, वो आपको महिला विरोधी और पुरुष विरोधी नहीं होती है, आपको आपको तमीज नहीं है तो मैं क्या कर सकता हूँ, आप महिला विरोधी हैं। मैं यहाँ किसी महिला से बात नहीं कर रहा हूँ, एक पैनलिस्ट से बात कर रहा हूँ। हाँ हम महिला विरोधी हैं, छोड़ दीजिए, आप चुप रहिए, पहले दूसरों की बात सुनना सीखिए। सभ्यता नहीं आती है तो सभ्यता सीख लीजिए, सभ्यता नहीं आती है तो सभ्यता सीख लीजिए। आई थिंक प्रोफेसर आगी आप बड़े लर्निंग आदमी है, मेरा निवेदन है कि लेट्स नॉट गेट पर्सनल ऊपर एनीवन, वो अपनी बात रख रहे हैं, आप अपनी बात रखिए। देखिए मेरा निवेदन है कि मेरा शो बहुत देखा जाने वाला शो है, महिलाएं भी देखती है, पुरुष भी देखते हैं। लेकर के बैठ गए यहां पर आप सुमैया जी,
सुमैया जी मेरा निवेदन है, आप मेरी बात, मेरी रिक्वेस्ट को मानिए, आप अपनी बारी में बोलिएगा। अमन जी जरा इनको बोलिए कि ये तमीज से रहें और कोई जब अपनी बात बोले तो उसमें बीच में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। अच्छा प्रोफेसर आगे, प्रोफेसर आगे, बदतमीजी और असभ्यता की चरम सीमा है। देखिए अब मैं आप दोनों से हट रहा हूँ, अब मैं आप दोनों से हट रहा हूँ, मैं सलमान निजामी के पास जा रहा हूँ। सलमान निजामी ठीक है, मैं प्रोफेसर आगे आपके पास वापस आऊंगा, सुमैया जी आपके पास भी वापस आऊंगा। सलमान निजामी आपने तो एक ट्वीट ही कर दिया था कि ये वैक्सीन ही फ्रॉड है, लेकिन आपने उस ट्वीट को भी डिलीट कर दिया क्योंकि आपको लगा वो ट्वीट ही फ्रॉड है, सच है ना ये बात? और अब आप देखिए बंगाल में क्या हो रहा है, देखिए बंगाल में नेता क्या कर रहे हैं, मंत्री क्या कर रहे हैं। देखिए अमीश जी, पूरी दुनिया में जितने भी हेड ऑफ द कंट्रीज थे, चाहे जो बाइडेन हो चाहे जितने भी हो, उन सब ने लोगों के डाउट्स को क्लियर करने के लिए पहला जो वैक्सीन है खुद को लगाया। अच्छा, लेकिन मैं हैरान हूं कि हमारे प्रधानमंत्री जी जिनका 56 इंच का सीना है वो क्यों वैक्सीन लगाने से डर रहे हैं, और भाजपा के नेता जो हैं मध्य प्रदेश के सीएम जो हैं शिवराज सिंह चौहान, वो कह रहे हैं मैं नहीं लगाऊंगा टीका, बाबा रामदेव कह रहे हैं मैं नहीं लगा रहा हूं टीका, और जो आपने ट्रायल किया वो थर्ड ट्रायल आपने किया नहीं, और जो आपने भोपाल गैस स्ट्रेटजी के विक्टिम्स पे ट्रायल किया उसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई और जो बाकी लोग हैं वो बीमार पड़ गए हैं। अच्छा, तो जब आपने पैनिक शुरू किया, हमने तो नहीं बोला, आपके तो सीएम बोल रहे हैं कि मैं नहीं लगाऊंगा वैक्सीन, फिर गरीबों पे क्यों लगा रहे हैं आप वैक्सीन? डाउट्स तो आपने शुरू किए, हमने तो नहीं कहा, हम तो चाहते थे पहले दिन से बोलते हैं वैक्सीन लाओ, हमने तो आपको वार्न किया, आपने राहुल गांधी जी की बात की, आप बोल रहे थे हिंदुस्तान में हेल्थ इमरजेंसी नहीं है, राहुल गांधी ने चिल्ला चिल्ला के बोला कि भाई ये सुनामी आने वाली है, तब आपने सुना नहीं उनका। और एक सेकंड मुझे एक, तो फिर आपके राज, अगर आपको लग रहा है कि इतना खराब है ये टीका, तो आपका रूलिंग, आपके रूलिंग राज्य पंजाब, दो लाख डोज क्यों गए वापस? सुनिए पूरा छत्तीसगढ़, 12,000 डोज क्यों जा चुके हैं अभी तक वापस? सुनिए सुनना पड़ेगा। ना ऐसे नहीं चलता सर, ऐसे नहीं चलेगा। आप लोग कुछ भी यहाँ पे अफवाह उड़ा के चले जाएंगे कि ये टीका खराब है, इस टीके को राष्ट्रीय अध्यक्ष लगा रहा है, ये टीका ही मत लगाइए। आप इस देश को, आप लोग इस देश को फॉर ग्रांटेड ले रखा है आप लोगों ने। आप इस देश के गरीब आदमी के साथ अन्याय करना चाहते हैं। जो लोग कोरोना के वॉरियर्स हैं, जो टीका लगाने के लिए खड़े होंगे, उनमें शक पैदा करना चाहते हैं। आप लोग चाहते क्या इस देश के अंदर? अराजकता हो गया, कोई ट्रैक्टर रैली निकालना चाहता है 26 जनवरी को, कोई कहता है ये टीका जो है ये राष्ट्रीय अध्यक्ष लगाना तो नहीं लगवाना चाहिए, कोई कह रहा है नपुंसक हो जाते हैं, कोई मंत्री बंगाल के सड़कों के ऊपर खड़ा होकर ये टीका जाने नहीं दे रहा। आप लोग चाहते क्या? आप लोग इस देश में चाहते क्या? निर्णय करें आप लोग, मध्य प्रदेश आप लोग क्या चाहते हैं देश के अंदर? अराजकता, झूठ। आप शिवराज सिंह चौहान से पूछिए क्यों बोला उसने मैं नहीं लगाऊंगा। मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं, अगर दम है आप में पूछिए। मेरे में तो मेरे मेरे यहां भाजपा के बंदे बन के बात कर रहे हैं। कुश्ती का मैच नहीं लड़ रहा, WWF नहीं लड़ रहा कि मैं दम दिखाऊंगा। नहीं बात करिए ना, पूछूंगा मैंने तो बात नहीं की, सवाल पूछूंगा। आप लोग मैंने तो नहीं बोला मैं टीका नहीं लगाऊंगा, दम कितना है, दम कितना है, मैं कुश्ती का पहलवान हूं क्या, दम दिखाऊंगा? मैं कह रहा है मैं नहीं लगाऊंगा, पता नहीं क्या आप लोगों की मानसिकता है, दम कितना है, दम कितना है, मैं कुश्ती का पहलवान हूं जो दम दिखाऊंगा यहां पर? अखाड़ा है ये सवाल, बड़ा सीधा है। सलमान भाई आप समझदार आदमी हो भाई, किस तरह की रेलेवेंट बात कर रहे हो आप? प्रधानमंत्री मोदी ने क्या बोला जब वो अपना वो मुख्यमंत्रियों को एड्रेस कर रहे थे कि मेरा मानना है नेता सबसे आखिर में टीका लगवाए, नहीं तो नेताओं की लाइन लग जाएगी, नेताओं के परिवारों की लाइन लग जाएगी, नेताओं के परिवारों की परिवारों की लाइन लग जाएगी, आम आदमी को टीका नहीं मिलेगा, फ्रंटलाइन वर्कर्स को, हेल्थ वर्कर्स को, किसी को टीका नहीं मिलेगा। लॉजिक समझ रहे हैं आप? अमेरिका की सोच और भारत की सोच में जमीन आसमान का फर्क है। पता नहीं आप लोग क्यों आदिकाल में रहते हैं, अमेरिका की बात करते हैं, लंदन की बात करते हैं, अरे भारत की बात करिए ना, इंडिया इज अराइव्ड, इंडिया इज अराइव्ड, इंडिया अपनी टर्म्स पे चीजें बनाता है। दुनिया में 5 वैक्सीन बनी, 2 हमारी है, यह है भारत, यह है भारत के साइंटिस्ट। लेकिन नहीं, हमको तो भारत को जीतते देखना ही नहीं है, हमें तो हर चीज में शक पैदा कर रहे हैं। आपको लगता है विदेशों से जो ऑर्डर मिल रहे हैं, विदेशों देश भी चलो, भारत में तो नरेंद्र मोदी ने जबरदस्ती करके टीका निकलवा दिया, ठीक है, और पंजाब की सरकार ने, छत्तीसगढ़ की सरकार ने भी जबरदस्ती टीका ले लिया, विदेशी देश, फॉरेन कंट्रीज, वो क्यों ऑर्डर कर रही है? बाकी देशों के ऑर्डर कैंसिल करके भारत से ऑर्डर हो रहा है टीका,
यह है सच्चाई। कौशलकांत मिश्रा बोलिए आप, मैं गौरव भाटिया आपके पास आ रहा हूं, मुझे 10 सेकंड दीजिए आप। कौशल जी, अमीश जी, मैं कुछ बातें बताना चाहूंगा। अभी जो मेरे से पहले जो साहब बोल रहे थे, उन्होंने कहा कि नेताओं को लगाना चाहिए, किसी ने लगाया नहीं लगाया। मैं पूरे देश की जनता और स्पेशली आप लोगों के लिए बता दूं कि इस वैक्सीन को लगाने वाले भी पहले फ्रंट लाइन वर्कर, डॉक्टर्स, नर्सेस एंड सैनिटाइजेशन के लिए जो फोर्थ क्लास का कर्मचारी हॉस्पिटल का होता है, वही लगवाने जा रहा है। तो आप बेफिक्र रहिए, मरेंगे तो पहले हम मरेंगे, आपको मरने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसके पहले दूसरी चीज़ बताना चाहूँगा, जो हरियाणा के हेल्थ मिनिस्टर की बात हुई थी जिसमें ये कहा गया कि एक वैक्सीन लगाई गई और उसके बाद भी कोरोना हो गया, तो मैं ये बताना चाहूँगा कि इस तरह का भ्रम ना फैलाया जाए। एक वैक्सीन लगाने से, अगर किसी वैक्सीन की डोज दो है तो एक लगाने से इम्यूनिटी नहीं आती है। और जो भी वैक्सीनेशन किया जा रहा है, इसकी सक्सेस रेट 95% से ज़्यादा है, तो पॉलिटिक्स और राजनीति के चक्कर में वैक्सीन को ना घसीटा जाए। और तीसरी बात मैडम ने बोली थी, सपा की प्रवक्ता जो है, कि इस्लामिक वैक्सीन, मैं यही टीवी प्रोग्राम पे मैं रेगुलर बैठ रहा हूँ, अभी कुछ दिन पहले ये मुद्दा उठा था कि उसमें अगर सुअर का अगर कुछ अंश रहेगा तो एक पर्टिकुलर कम्युनिटी नहीं लगवाएगी। उस समय यही पॉलिटिकल पार्टियों ने खड़े होकर उनके लिए नहीं कहा था कि उन्हें लगवाना चाहिए, सब वहां पे अपनी वोट बैंक की पॉलिटिक्स कर रहे थे। और उसके बाद बाद में जब कोई रास्ता नहीं लगा तो ये अपना विक्टिम कार्ड खेलने लगी। अरे अगर इतनी हमारी खराब वैक्सीन है तो ब्राजील 20 लाख डोज क्यों मांग रहा है? वो अपना ऑर्डर उन्होंने किसी और को दे रखा था, उससे कैंसिल करके वो भारत को उसने ऑर्डर दिया है। गौरव भाटिया, आपने सुमैया राणा को सुना, आपने सलमान निजामी को सुना, क्विकली गौरव भाटिया, योर टर्न। देखिए, मैं दोनों की बात का जवाब दे दूं। कौशल जी ने कहा कि पहले मरेंगे तो हम मरेंगे। अरे कौशल भाई, हम सबको विश्वास है अपने साइंटिस्ट पे, अपने प्रधानमंत्री जी पे, ICMR पे विश्वास दिख रहा आपको गौरव भाटिया? अभी भी इस कार्यक्रम में करेंगे। एक मिनट, मैं बात पूरी कर लूं। नहीं गौरव भाटिया, क्या आपको विश्वास दिख रहा है? आपने सुना नहीं नेताओं ने क्या बोला अभी इसी कार्यक्रम में? मैं सुनो, उसी का उत्तर दे रहा हूं, अब सुनिए। जहां तक कांग्रेस, TMC और सपा की बात है, ये लोग पहले ही मरे हुए हैं। सांस लेना कोई जीना नहीं होता है, इन लोगों का ईमान कब का मर गया है। और सुमैया राणा की मैं बता दूं, शिवपाल यादव, अपर्णा यादव, उनको तक तो अखिलेश यादव पे विश्वास नहीं है जो बयान दिया है, निंदा कर रहे हैं। आप दूसरों के विश्वास की बात करते हैं, बिल्कुल सही कहा कौशल जी ने। इंडिया टुडे के प्रोग्राम में बैठी थी ये, और चुप हो जाइए, चुप हो जाइए, इनको जांच करा लीजिए, महिलाओं की तरह नहीं कराइए। सुमैया जी, अपनी टर्न पे बोलिए प्लीज, चुप हो जाइए। झांकने का काम आपका होगा, हमारा नहीं है। आप दूसरों के घरों में झांकती होंगी, हमें नहीं पता। ये काम आपको हो सकता है सपा ने सिखाया हो। और सुनिए, सुअर की चर्बी है वैक्सीन में, इसकी जांच होनी चाहिए। ये तो आपके शब्द हैं जो अभी कौशल जी बता रहे थे, इंडिया टुडे पे आप कह रही थी। कितना झूठ बोलेंगी। इंडिया टुडे का प्रोग्राम का क्लिप चलाऊं, सुअर की चर्बी है कि नहीं? हमारी पहली पहचान मुसलमान है। आप सुनिए, अब सलमान निजामी पे आते हैं। सलमान निजामी जी, आप कह रहे हैं विदाउट ट्रायल आया है। मैं यही कह रही हूँ, अपनी बारी में बोलिएगा। सुअर की चर्बी है क्या है, अपने घर में आप तय करिए, हमें इन सब चीजों में नहीं जाना। हमें जो वैज्ञानिक है देश के, उन पे भरोसा है। और अपनी बारी में बोला करिए, सम्मान तभी मिलेगा आपको। नहीं, आप मेरे से मुखातिब मत होइए, मेरे को माफ कर दीजिए। मैं आपके मुंह नहीं लगना चाहता हूँ, ना मैं आपके बीच में बोलना चाहता हूँ। सुनिए, मुझे बताने की कोशिश मत करिए। अरे तोप कौन मुझे है? मालूम है कि आप क्या कर सकते हैं। तोप वो है जो लड़के हैं, लड़कों से गलती हो जाती है। अरे महिला विरोधी, महिला विरोधी कौन है? अपने आप को ऐसे ही तोप समझते हैं। लड़के हैं, लड़कों से गलती हो जाती है। अच्छा सुमैया जी, चलिए सुनिए, दोनों वैक्सीन के नाम बताइए, कंपनी और वैक्सीन के नाम बताइए। चलिए बहस करनी है, मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ। दोनों वैक्सीन की कंपनी और नाम बताइए। चलिए बोलिए, बहुत बोल रही है आप, तब से बताइए दोनों कंपनी का नाम और वैक्सीन का नाम बताइए। यहाँ पर ना तो आप एंकर है ना, मैं आपसे बात करना पसंद कर रही हूँ। शून्य, मैं आपसे बात करना भी नहीं पसंद कर रही हूँ। वैक्सीन पे चर्चा करेंगी और वैक्सीन का नाम नहीं पता। आई एम अ रेजिडेंट ऑफ इंडिया, भारतीय हूँ मैं। आपके अब्बू की तरह ये नहीं कहता हूँ कि जो लोग
आपका दिमाग खराब हो गया है, आप अपने दिमाग का इलाज कराओ जा करके। दर्शक तय कर ले, बताइए मेंटली सिक कौन लग रहा है, व्यक्तिगत टिप्पणियां कर रही है, कौन मेंटली सिक है? दर्शक जरा ट्वीट करके बताए इनको कौन मेंटली सिक लग रहा है। दूसरों के घरों में घुसने के अलावा भी कुछ काम किया करो भाई। अरे छोड़िए, वैक्सीन के नाम बताइए, कंपनी के नाम बताइए, दोनों नहीं बता पाएंगी, बहस करेंगी वैक्सीन पे। सुअर की चर्बी है, सुअर की चर्बी है, अरे चर्बी आपके दिमाग में है, उस चर्बी को निकालिए, नफरत की चर्बी को निकालिए। बताओ कि आप हो कौन? मैं भारतीय हूँ, दिमाग का इलाज करो जा करके। अपनी अरे अपने दिमाग का इलाज कराइए, जिन्होंने कहा कि निर्दोषों के गले काटे तो सही काटे, उनका इलाज कराइएगा। गौरव जी होल्ड ऑन आई थिंक पर्सनल रिमार्क्स आप बड़ी जल्दी आ गए अमीर जी धन्यवाद। अब मैं बोल लूँ मैं ना, मैं आपको बिल्कुल मौका दे रहा हूँ गौरव भाटिया, आपको मैं मौका दूंगा बोलने का। मेरा निवेदन है कि कोई किसी के बीच में ना बोले, सब अपनी बात को रखे और प्रमाणिकता से अपनी बात को रखे। सुभैया जी, ये सुअर की चर्बी का बात कहाँ से आई? एक सेकंड गौरव भाटिया, ये सुअर की चर्बी की बात बोला इन्होंने गौरव भाटिया? अब तो मैं बोल रहा हूँ ना, आप मेरे बीच में मेरा निवेदन तो स्वीकार करें कम से कम। सुमैया जी, ये सुअर की चर्बी की बात क्या है, वो बोलते रहेंगे। सुमैया जी, आप मेरा सवाल सुनिए, सुअर की चर्बी की बात कहाँ से आई? सुअर की चर्बी का कोई क्या लेना देना? देखिए, ये तो एक टीका है और वैक्सीन है, आप भी जानते हैं कोरोना कितनी बड़ी महामारी है। इसमें हम कंफ्यूजन फैलाएंगे तो मैं बार बार बोल रहा हूँ, देश का नुकसान है। हम देश के साइंटिस्ट को क्यों उन पे शक कर रहे हैं? अमीश जी, लेट मी क्लियर दिस। जी बोलिए। सवाल था कि सुअर की चर्बी है कि नहीं है वैक्सीन में। मैंने कहा था बैठ करके कि आप पहले तो ICMR की रिपोर्ट का इंतजार करो, अगर उसमें तब भी ये साबित होता है कि सुअर की चर्बी है तो दारुल इफ्ता, दारुल कजाएं जो हैं वो बैठ करके एक फैसला दे दें। ये इतनी मारामारी करने की क्या जरूरत है कि एक पक्ष बोल रहा है सुअर की चर्बी बोल रहा है कि एक्सेप्टेबल नहीं है। ठीक है, आपने अपनी बात को रखा, अब आप शांत बैठिए। अब मेरा निवेदन है, आप शांत बैठिए। अब गौरव भाटिया, अब अपनी बात को रखिए। अब मैं सलमान निजामी जी की बात का उत्तर देता हूँ। सलमान नहीं, सुमैया राणा की पहले बात का जवाब। 6 जनवरी 2021, अच्छा, इनकी बात का जवाब सिर्फ इतना ही कह के दूंगा, ये दूसरों के भरोसा जीतने की बात करती हैं, इनके घर में तो खुद अंधेरा है। शिवपाल यादव जी ने भी कहा, जो अखिलेश यादव ने कहा गलत है, अपर्णा यादव ने भी कहा, मुलायम सिंह जी कह रहे हैं अखिलेश लड़का है, लड़के से गलती हो जाती है। और बीजेपी का टीका क्या होता है? राष्ट्र का टीका है, ये सबको लगेगा। और अखिलेश यादव भी देखिए फिर बोल रही है, अब आप बताइए क्या क्या चर्चा इनसे करेगा। तो मैं इतना ही कहूंगा कि ये वो लोग हैं जो हर चीज में सेक्युलर टीका, ये टीके से भी पूछते हैं, भैया बताओ किस धर्म के टीके हो? अच्छा अच्छा, तुम मुस्लिम टीका नहीं हो, हम नहीं लगवाएंगे भैया। ये उस सोच के लोग हैं, इनके साथ सर पीटने से कुछ नहीं होगा, जनता इनको नकार चुकी है अमीर जी। और देश के हर नागरिक को गर्व है आज देश के प्रधानमंत्री पे और सारे साइंटिस्ट पे, वैज्ञानिकों पे, जिन्होंने ये आविष्कार किया है। पूरे विश्व में हमारी पताका सबसे ऊपर लहरा रही। सलमान निजामी का जवाब मैं अगले दौर में दे। ठीक है, मैं अब सलमान निजामी का ही रुख करता हूँ और तौसीफ खान भी काफी देर से इंतजार कर रहे हैं। तौसीफ खान, सुमैया जी आप अपने वक्त पे आइएगा। तौसीफ खान, आप देख रहे हैं ये जो पॉलिटिक्स चल रही है और आप कह रहे हैं कि ये छुटपुट बात है, बिल्कुल छुटपुट बात है, देन आई विल गेट द रिएक्शन ऑफ संगीत रागी, ये छुटपुट बात है। आप देख रहे हैं यहाँ पे सुअर की चर्बी तो नहीं आ रही, ये टीका लगाने से जिसे कहते हैं उस शब्द
इस टीका को लगाने से व्यक्ति जो है नपुंसक हो जाता है, इस तरह की शब्द आ रहे हैं। देखिए आपका मंत्री वहां लाठियां लेके घूम रहा है, जितना गवर्नमेंट ने बताया है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने, देखिए दो तरह की वैक्सीन आई है, एक कोवैक्सीन एक कोविशील्ड। अब दोनों में केंद्र सरकार ने फैसला ये दे दिया है बिना स्टेट को कंसल्ट किए कि स्टेट के तरफ में कोई चॉइस नहीं है कि वो दोनों में से कोई एक चूज करे या दोनों की जांच पड़ताल करवाए। केंद्र सरकार ने दोनों को सेलेक्ट कर लिया है, कह दिया है कि दोनों ही वैक्सीन को जो है इस्तेमाल किया जाएगा। तो ममता बनर्जी ने एक बहुत वाजिब सा सवाल उठाया था कि आपने स्टेट से कंसल्ट क्यों नहीं किया, कंसल्टेशन कैसा, कंसल्टेशन कैसा, कि डंडे उठा के आगे चलेंगे मंत्री और वैक्सीन को रोकेंगे, वो कंसल्टेशन हुआ था क्या? डंडे उठाकर चलेंगे मंत्री, वो कंसल्टेशन हुआ था क्या? दो तरह के वैक्सीन, देखिए शॉर्ट्स में क्या दिख रहा है, दो तरह का वैक्सीन है, दोनों वैक्सीन को लेकर के। सर मैं कह रहा हूँ ये कौन सी वैक्सीन है, ये डंडे में कौन सी वैक्सीन है, टेस्टिंग हो चुकी हुई। अरे तौसीफ भाई, ये डंडे में कौन सी वैक्सीन लेके चल रहे हैं आप लोग? स्टेट को आपने ये स्टेट को ये हक देने में क्या परेशानी? अरे ये क्या डंडे का हक कैसे देंगे स्टेट को? सारे फैसले खुद क्यों लेना चाहती है? ओके, केंद्र सरकार को आवाज नहीं आ रही है, फैसले इतना शुभ टीका, इतना शुभ टीका है, इतना शुभ टीका, इतनी अशुभ सियासत उसके ऊपर, इतनी नेगेटिविटी। अच्छा ठीक है, आप लगा लीजिए, अच्छी बात है, इतना नेगेटिविटी, इतनी नकारात्मक का आप लोगों ने कमाल कर दिया। टीका में मोदी लिखा रहेगा, आप उस टीका को लगा लेंगे, वो अरे इस टीके में मोदी नहीं लिखा, मोदी लिखा हुआ टीका उस टीके में मोदी नहीं लिखा, परेशानी नहीं। ओके, लेकिन दूसरे लोग तो नहीं लगाएंगे ना, आपको लोग तो नहीं लगाएंगे ना, परेशानी नरेंद्र मोदी हो सकता है। यू कैन हेट मोदी, यू कैन हेट मोदी, आप मोदी को ना पसंद करें, लेकिन टीका, लेकिन टीका तो बीमारी का है। कल तो नरेंद्र मोदी बोलेगा सांस में, तो सांस नहीं लोगे क्या? कैसी बात कर रहे हैं आप सर? पढ़े लिखे आदमी हो सर आप, ममता पढ़े लिखे आदमी हो आप, तो मोदी टीका आपने नया नामकरण कर दिया, मोदी टीका। राज्य सरकार को आपने पूछा क्यों नहीं? लोग हो आप ही लोग हो जो श्योर करते हो कि नरेंद्र मोदी जीत जाए चुनाव, उसका नाम ही दे दिया मोदी टीका आपने। प्रोफेसर दो वैक्सीन आया है, दोनों को कंपलसरी कर दिया, बंगाल में यही मोदी टीका बीजेपी बोलेगी तो फिर आपको बुरा लगेगा। राज्य सरकार को आपने ऑप्शन ही नहीं दिया प्रोफेसर आगे, राज्य सरकार में, राज्य सरकार को ऑप्शन क्यों नहीं दिया? राज्य सरकार को कंसल्टेशन क्यों नहीं दिया? राज्य सरकार को कह देते कि दोनों में से कोई एक टीका चूज कर ले। देखिए प्रोफेसर आगे, ऑप्शन क्यों नहीं मिली इनको, टीके की ऑप्शन चाहिए थी, ऑप्शन नंबर 1-2। लेकिन मंत्री जो डंडा लेके चल रहा है वो ऑप्शन में तो कहीं नहीं है ना। अभी तो आने वाले दिनों में देखिए अमीश जी, आने वाले दिनों में और भी वैक्सीन आएंगे, और आईसीएमआर उनको यदि लगता है कि वो सारी ठीक टीके हैं तो उनका भी अप्रूवल होगा। अब ममता बनर्जी जी तो पढ़ी लिखी इतनी नहीं है, और साइंटिस्ट कम्युनिटी उनसे सलाह ले कि से कौन सा वैक्सीन का प्रयोग करना है, कौन सा वैक्सीन का न प्रयोग करना है, ये कटमनी थोड़े है। दूसरी बात, दुर्भाग्य है कि ये टीका जो है ना, ये टीका जो है ना, ये हलाल टीका नहीं है, ये हलाल टीका भी नहीं है, और हलाल वाले जो खोजते हैं वो टीका का निर्माण भी नहीं दुनिया में कर पाते हैं। आज तक यदि देखिएगा कि ये जो हलाल हलाल वाले जो कम्युनिटी है, 53 कंट्री है, ये हिंदू मुस्लिम 53 कंट्री में है ये हलाल वाले, लेकिन कोई एक टीका दुनिया में पैदा नहीं कर सकते। बिल्कुल आपकी सही बात है, संगीत रागी गलत बोल रहे हैं, संगीत रागी आर यू ऑब्जेक्टेड, संगीत रागी आर यू ऑब्जेक्टेड। देखिए इस टीके को हिंदू मुसलमान नहीं करना चाहिए, लेकिन इस टीके में सुअर 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 की खाल है, सुअर की चर्बी है, वो भी नहीं करना चाहिए। ये तौसीफ खान बराबर बोलिए पूरा, संगीत रागी के तो हलाल पर आपको बहुत आपत्ति है, होनी चाहिए, आपने आपत्ति करी, इसमें सुअर की चर्बी है, इसमें आपत्ति नहीं है आपको, दोगली बात क्यों, डबल स्टैंडर्ड क्यों? तौसीफ खान 10 सेकंड। दो टीके आए हैं, कोवैक्सीन आया है, कोविशील्ड आया है, तो ममता बनर्जी थोड़ी निश्चित करेंगी कौन सा टीका किसको लगेगा? टीकों में से केंद्र सरकार को, केंद्र सरकार सारे फैसले क्यों लेती है? अरे भाई, राज्य सरकार है या नहीं है, फेडरल स्ट्रक्चर है या नहीं है, या तो डिक्टेटरशिप चल रहा है क्या, फैसिस्ट गवर्नमेंट चल रहा है क्या? आप केंद्र सरकार को कॉन्फिडेंस ले लीजिए, गौरव भाटिया के चीफ मिनिस्टर को कॉन्फिडेंस ले लीजिए, राज्य सरकार के चीफ मिनिस्टर को, ये फेडरल स्ट्रक्चर में मंत्री आके डंडे लेके चलेंगे, ये भी होता है प्रावधान क्या? आप तो कानून के जानकार भी हैं। देखिए, ये संविधान जो पढ़ रही है ममता बनर्जी, उसका नाम है रोहिंग्या का संविधान।
उसमें ऐसा होता है अमित जी कि जो मंत्री है वो डंडा लेके चलता है और डंडा दिखाता है कि भैया वैक्सीन ये बताओ क्या तुम रोहिंग्या वैक्सीन हो, और उस पर अगर आप एक फोटो लगा देना, मैं बताऊं कुर्सी सत्ता की, ममता बनर्जी एक नहीं चार टीके लगाने लगेंगी। उनको बस इतना पता चल जाए कि जिसकी दुलत्ती खाने के लिए वो तैयार है ना, दूध देने वाली गाय जिनको कहा था वो वोट करेंगी, चार टीके लगा लेंगी ममता बनर्जी। ये सारा सत्ता का ही नशा है इनको, और ये सरकार जाने वाली है। लेकिन सलमान निजामी जी की मैं बात करूंगा, सलमान निजामी जी का ट्वीट है, ये कह रहे थे विदाउट ट्रायल आ गया है टीका। तो मैं इतना ही कहूंगा, राहुल गांधी बिना ट्रायल लॉन्च करे गए राजनीति में, तब क्या था। और मेरे भैया तुम ये बताओ कि अगर आपका ये पैमाना है कि कुछ लाने से पहले नेता को ही कराना है, तो संजय गांधी नसबंदी लाए थे, अब आप बताओ क्या पहले वो कराते। ओके ओके, और दूसरी बात, ये नहीं है, हमेशा हाय हाय मोदी करते रहेंगे, एक मिनट बस एक मिनट, हाय हाय मोदी करेंगे, मोदी जी ने पहले टीका लगा लिया तो हाय हाय मोदी करेंगे कि दूसरे नागरिक का हक मार दिया, और नहीं लगवाया तो पहले क्यों नहीं ठीक है। सलमान निजामी, नरेंद्र मोदी टीका लगवा लेंगे तो बोलेंगे देखिए इन्होंने सबसे पहले अपने लगाया, पहले गरीब आदमी को लगना चाहिए था, अब अगर नहीं लगवाए तो बोले देखिए पहले नहीं लगाया। देखिए आपकी आपकी हर बात में हाय हाय मोदी है, ये बनेगा गौरव भाटिया reply to his answers। नहीं नहीं नहीं, मैं मोदी जी एज ए प्राइम मिनिस्टर हैं, हम उनका सम्मान करते हैं, मेरी बात क्लियर कट है। देखिए मेरे को डाउट नहीं है इस वैक्सीन पे, डाउट कहां से शुरू हुआ? फ्रॉड का मैंने बोला, किसी कांग्रेस के व्यक्ति ने बोला कि मैं टीका नहीं लगाऊंगा, ये तो भाजपा के जो सीएम है मध्य प्रदेश के, सुनिए जो भाजपा के सीएम से कांग्रेस के नेता राहुल गांधी को फॉलो करना चाहिए। नहीं जनता को वो मिसलीड कर रहे हैं, इटली के मिसलीड कर रहे हैं। आपका राहुल गांधी जी की, राहुल गांधी उनकी डिग्री एंटायर पॉलिटिकल साइंस में नहीं है, वो कैम्ब्रिज के ग्रेजुएट है, विदाउट ट्रायल लॉन्च हुए, उन्होंने आपने थाली बजाई बोला थाली और ताली से कोरोना नहीं भागा था, ताली और ताली और थाली अपना हौसला बढ़ाने के लिए था, नहीं लगा ताली और ताली अपना हौसला बढ़ाने के लिए था, लगे और हर कोई ताली और थाली कोविड वॉरियर्स का हौसला बढ़ाने के लिए था, पुलिस वालों का हौसला बढ़ाने के लिए था, डॉक्टर का हौसला बढ़ाने के लिए था, हेल्थ वर्कर का हौसला बढ़ाने के लिए था, ताली और ताली से कोरोना भाग रहा है क्या? कैसी बात कर रहे हो आप? पीटेंगे, एक तब डराया लोगों को, आज भी डरा रहे हैं ऐसा कि हम नहीं लगाएंगे। अरे ऐसा भाई, ऐसा है, लगाओगे तो देश के लोगों को क्यों बोल रहे हो लगाने के लिए? ऐसा 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 है, एक भावना होती है, और मैं बहुत जिम्मेदारी से इस बात को कहता हूं, एक भावना होती है, ताली और थाली पीटी नहीं जा रही थी, बजाई जा रही थी, इसलिए बजाई जा रही थी कि हमारे कोविड वॉरियर्स, हमारे फ्रंटलाइन वर्कर्स, हमारे हेल्थ वर्कर्स, हमारे सैनिटाइजेशन वर्कर्स, हमारे डॉक्टर्स, हमारे नर्सेस, हमारे वार्ड बॉयज, हमारे पुलिस के लोग, हमारे वो लोग जो कोविड के समय पर हमारे घर पे जो ब्रेड देता था, हमारे घर पे जो सामान पहुंचाता था, उनके लिए ताली और थाली बजी थी। ये सम्मान उनका था जो देश के लिए खड़े थे जब हम सब लोग अपने घरों में थे। और मैं मीडिया जगत के लोगों के लिए भी कह जाता हूं, वो भी सड़क पे थे कवरेज करने के लिए, ये ताली और थाली उनके लिए थी, ये ताली और थाली कोरोना को भगाने के लिए नहीं थी। और वो दिया उस ताकत के लिए था कि हम सब में एकजुटता हो, हम सब एक हो इस लड़ाई के अंदर। याद करिए वो दौर, अपना बुरा वक्त किसी को भूलना नहीं चाहिए, अगर आप में बुरा वक्त गया है तो उसे कभी मत भूलिए। कोरोना इस देश के लिए बुरा वक्त था, और उस बुरे वक्त में हमें एकजुट रहना है, एकता की भावना रखनी है। वो ताली और थाली और वो दिया उसी के लिए था, बुरा वक्त मत भूलिए, बहुत आवश्यक है। सुभैया राणा, मैं आखिरी दौर आपको देना चाहता हूं, क्या आपको लगता है फॉर द पीपल ऑफ इंडिया पॉलिटिक्स ऑन वैक्सीन शुड बी स्टॉप्ड राइट नाउ, यह आवश्यकता है? देखिए अमित जी, मैं बहुत जिम्मेदारी से ये बात कहना चाहती हूँ, आप उसको ये ना सोचें कि पॉलिटिक्स है, बिल्कुल पॉलिटिक्स से अलग, क्योंकि हम सब इस देश में एक साथ रह रहे हैं, सबको जिंदा रहना है, सबकी चाह है जिंदा रहने की। लेकिन जो इतिहास रहा है, जो कोरोना काल में जो अगर यूँ देखा जाए, तो अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो कोरोना काल के दौरान
चाहे वो पीपीटी किट हो या सैनिटाइजेशन हो, इन सब का भ्रष्टाचार सामने आया। तो लोगों के अंदर एक शंका बनी हुई है कि पता नहीं कि आप कौन सी ये भ्रष्टाचार लेकर के आए हैं। वैक्सीनेशन अच्छी चीज़ है, लेकिन उस वैक्सीन कितनी जेन्युइन है, कितनी हमारे लिए कारगर होगी, कहीं इनका पिछला इतिहास जो बीजेपी करती आई है इसी तरीके की कहीं वैक्सीन ना लेकर के आए। एक मिनट बोल लिया, इसलिए लोगों के अंदर शंका। अच्छा ओके, गौरव 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 भाटी, गौरव भाटिया, योर टर्न। आप देखिए, ऐसा है, बीजेपी जो करती आई है शायद इसीलिए जनता ने आशीर्वाद दे के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री पुनः बनाया है। और जो भ्रष्टाचार और जिस तरह से सांप्रदायिक राजनीति इनकी पार्टी करती आई है उसकी वजह से इनका ये हश्र है। दिमाग से भी नफरत की पन्नी हटाई और ये गलत बात है। सुमैया जी, अब गौरव भाटिया को बोल रही है, कोरोना से फिर बीच में बोल रही है, इनको है दिक्कत है, बहुत फर्क होने वाला है। अभी मैं इनको बता दूं, इनका मानसिक संतुलन बिगड़ गया, अच्छा नहीं लगेगा। इस तरह की टिप्पणियां करनी नहीं चाहिए, लेकिन जो पार्टी का स्तर होगा, प्रवक्ता का भी वही स्तर होगा। मैं इसमें बुरा नहीं मानता हूँ, ये मेरी बहन की तरह है, कोई बात नहीं। अच्छा कोई नहीं, अमीर जी आप इनको बुलवा लीजिए। अच्छा गौरव 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 लास्ट 10 सेकंड, गौरव गौरव लास्ट 10 सेकंड, कंप्लीट योरसेल्फ लास्ट 10 सेकंड। मैं यही कहूंगा, देश के प्रधानमंत्री प्रतिबद्ध हैं कि हर नागरिक की जान बची रहे और टीका मिले, और इसके लिए हम कार्य करते रहेंगे। शुक्रिया। फिलहाल ये देश है हमारा में इतना ही, आप देखते रहिए न्यूज 18। आज के लिए लाख टके की बात है। जय हिंद।